हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट फिफ्थ। पहले हम मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट फोर्थ सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसमें कि सेक्शन थे 79 से लेकर 88 तक। अब बताऊंगी पार्ट फिफ्थ जो कि है विशेष कार्रवाई या स्पेशल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है, और इसमें है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम और विशेष मामले के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो जो सेक्शन 89 है, जिसका क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएचए के एग्जाम में आ सकता है, कि न्यायालय के बाद विवादों का निपटारा न्यायालय के बाद जब किया जाता है, उसमें कौन सा सेक्शन लगता है। तो सेक्शन 89 में बताया गया है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है विशेष मामला, स्पेशल केस। तो इसमें है सेक्शन 90 जो बताता है न्यायालय के राय के लिए मामले का कथन करने की क्या पावर है कोर्ट को, इसके बारे में बताता है सेक्शन 90 की, न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। नेक्स्ट आता है लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले या अन्य दोषपूर्ण कार्य, इट मीन्स कि पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट ऑफेंसिंग द पब्लिक, यानी कि जो है पब्लिक के खिलाफ अगर कोई कार्य किया जा रहा है, कोई लोक न्यूसेंस किया जा रहा है, तो उसके में बताया गया सेक्शन 91 से लेकर 93 तक की। 91 कहता है कि लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य के बारे में बताता है, और जो सेक्शन 92 है वो बताता है लोक पूर्त कार्य के बारे में, कि लोक पूर्त कार्य क्या है, मीन्स पब्लिक चैरिटीज। नेक्स्ट आता है सेक्शन 93 जो बताता है प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महाधिवक्ताओं की शक्ति, जो जनरल एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट जनरल है, उनकी क्या पावर है प्रेसिडेंसी नगरों में, तो ये बताता है सेक्शन 93। तो फ्रेंड्स, ये है जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 5, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी 6 एंड 7। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर सुन भी लेंगे तो आपको रिमेम्बर हो जाएगा कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।